मैगी खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई खाना जब इतने मॉडर्न किचन में बनता है तो मॉडर्न खाना ही बनेगा, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल स्टाइल से बनाए तो खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। अभी तो एक डिश बनाते हैं और ये जो डिश है इसे बनाएंगे मटके के अंदर, लेकिन पहले क्या क्या तैयारी करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हमें प्याज चाहिए, तो ये प्याज मैंने स्लाइस करके रखे हुए हैं, और ये आलू मेरे पास हैं, तो ये आलू जो हैं इसे भी काट लेते हैं, ये लीजिए, और इसे ये हमने काट लिया। अब इसे हम पका लेते हैं। पकाने के लिए एक मिट्टी का बर्तन ले लें, आप मटका ले सकते हैं, हांडी ले सकते हैं, या इस तरह का बर्तन ले लें, और फिर इसमें हम डालते हैं घी। आप तेल से ही बना सकते हैं। घी गरम हो गया है, इसमें हींग, उसके साथ साथ जीरा और कुछ लौंग, ज़्यादा नहीं, और अब बारी आती है काली मिर्च की। ये चीज़ें हो गई, इसके साथ में हम इसमें डाल देते हैं तेज पत्ता। और अब क्या करना है, अब इसमें हम डालते हैं स्लाइस किया हुआ प्याज, ये लीजिए, और इसे ज़्यादा नहीं पकाना है हमने, और प्याज जैसे ही थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तब आप इसके अंदर डालें अदरक का पेस्ट और उसके साथ साथ लहसुन का पेस्ट, अगर आप खाते हैं तो। अगर आप नहीं खाते ये सब तो ना डालें ना इसके अंदर। अब इसके अंदर हम डालते हैं ये आलू, ये कटे हुए आलू जो हमने पहले से काटे थे। अब बारी आती है ये भीगी हुई दाल की, ये जो दाल है तूर की दाल, अरहर की दाल, वो इसमें डाल दी हमने, और उसके साथ साथ भीगे हुए चावल, ये भी इसके अंदर, ये लीजिए, और अब सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले, हल्दी, ये लीजिए हल्दी पाउडर, उसके साथ साथ लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा गरम मसाला पाउडर। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर हरी मिर्च भी है, कुटी हुई, पिसी हुई, चॉप की हुई, जैसी आपको मिले। और अब ये कर दिया इसे मिक्स, इसके बाद इसे पकाएंगे हम पानी डालकर, और इसमें जो पानी की मात्रा है वो थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। और अब एक बहुत ज़रूरी चीज़, वो है नमक, ये नमक इसके अंदर, और अब इसे आप पकने दें पहले कुछ देर तेज़ आंच पर, और जैसे ये उबलने लग जाए बस आंच धीमी करें, ढक्कन लगाएं और इसको पकने दें, अच्छे से पकने दें। जब तक इसको हम धीमी आंच में पकाते हैं एक काम करते हैं, बहुत सारे बर्तन इकट्ठे किए मैंने आपके लिए, ढेरों पुराने ज़माने के, चलिए आपको मिलवाता हूँ उनसे। मिट्टी के बर्तन में पके खाने का जवाब नहीं। हमारे देश में मिट्टी के खूबसूरत बर्तनों का प्रचलन तो सदियों से ही रहा है। इन बर्तनों में पके हुए खाने का स्वाद कुछ अलग ही है। मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ पीतल, तांबे और लकड़ी का भी किचन में काफी इस्तेमाल किया जाता था। जैसे लकड़ी की मंथनी यानी रवाई और मसालेदानी काफी प्रचलित है आज भी। पीतल के बर्तनों का लोटा, चम्मच, छलनी और थाली काफी प्रचलित होते थे। खैर, गांव में तो आज भी इन बर्तनों को उसी रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम भी क्यों ना इस नए युग में कभी कभी इन बर्तनों का इस्तेमाल करके खाने का स्वाद कुछ अलग कर लें। वेलकम बैक। तो मजा आया ना इस कहानी का, बर्तनों की कहानी का। अब वापस चलते हैं इस कहानी की ओर, जिसमें हम पका रहे हैं एक साथ चावल और दाल और आलू, सब इस मिट्टी के बर्तन में। और आलू, हाँ आलू तो गल गए, और अब क्या करना है, अब इसके अंदर हम डालेंगे ये फ्रेश टमाटर, टमाटर का प्यूरे जो हमने बनाया है ये इसके अंदर, और इसके साथ इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा, और सब चीज़ों को
साथ में मिक्स करें। अब एक बार फिर ढक्कन लगाएं, आंच कर दें धीमे और इसको पकने दें करीब 8 से 10 मिनट तक धीमी आंच के ऊपर इसी तरह से ढक्कन लगाकर। उसके बाद इसे परोसें गर्मा गर्म, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें से निकाल कर किसी दूसरे बर्तन में परोसें, इसी तरह से इसी बर्तन में परोसें। लेकिन जैसे ही आप इस तरह से बनाते हैं तो लगता है कुछ मेहनत की गई है, कुछ थोड़ा सा ख्याल रखा गया है, लेकिन चखेंगे तो वाकई आपको लगेगा भाई वाह, ये जो मिट्टी है ना वाकई कमाल की चीज़ है। इसके लिए हमें चाहिए 3/4 कप तुअर दाल, 1 कप चावल पानी में भीगे हुए, 4 बड़े चम्मच घी, 3/4 छोटा चम्मच जीरा, 4 लौंग, 6 काली मिर्चें, 1 तेज पत्ता, 1 प्याज स्लाइस की हुई, 1 छोटा चम्मच अदरक की पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लहसुन की पेस्ट, 2 आलू कटे हुए, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 हरी मिर्च पिसी हुई, नमक स्वाद अनुसार, 2 टमाटर प्यूरी किए हुए और 2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इसे बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन में घी गरम करके इसमें हींग, जीरा, लौंग, काली मिर्चें, तेज पत्ता और प्याज डालकर भून लें। इसमें अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट डालकर मिलाएं। अब इसमें आलू, तुअर दाल और भीगे हुए चावल डालकर इसके साथ इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और हरी मिर्च डालें। अब करीब 5 कप पानी और नमक डालकर इसे ढककर पकाएं। जब ये करीब करीब पक जाए तब इसमें टमाटर की प्यूरी और हरा धनिया डालकर इसे धीमी आंच पर 10 मिनट तक और पका लें और परोसें इसे गर्मा गर्म। वेलकम बैक, मैगी खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हैं हमारे मिट्टी के बर्तन में बने हुए खाने का स्पेशल। अब जो डिश मैं बनाऊंगा वो मिट्टी के बर्तन में पकाएंगे नहीं लेकिन जमाएंगे। कुल्फी, मटका कुल्फी बहुत बढ़िया बनती है। अब इसके लिए जो कुल्फी है बस उसके लिए करना क्या है, दूध को रिड्यूस करना है। और इसके बाद क्या करना है, बस कुछ नहीं, दूध अच्छी तरह से हमने रिड्यूस कर लिया है। अब इसके अंदर इलायची और अब इसमें केसर, तो केसर इसके अंदर और फिर इसमें डालें चीनी, ये लीजिए, और चीनी डालकर इसे कुछ देर तक और पकाना है हमने। और एक पैन में ये मेरे पास बादाम पड़े हुए हैं और इन बादाम को रोस्ट करके फिर इसमें डालेंगे। इसके अंदर ये लीजिए, अब ये जो मटके हैं ये हमने लिए हैं कुल्फी के लिए और इसको पानी के अंदर धोकर आप पानी इसमें से सारा निकाल लें और चाहें तो कुछ देर तक इसको पानी के अंदर रखें भी। और फिर पानी इसमें से जब निकल गया सारा तब आप जो कुल्फी है वो इसमें डालें, ये इसके अंदर। अब ये जितनी कुल्फी हैं सारी भर के इसको बंद करें ऊपर से। बस एक चीज को ध्यान रखें कि ये जब ठंडे हो जाएं तब आप रखें फ्रीजर के अंदर, उससे पहले नहीं। और फिर अगले दिन या उसी दिन जब ये जम जाए तो खोल के इसी तरह से इसमें से खाएं। लेकिन इसके लिए ये स्टील का चम्मच ना इस्तेमाल करें, इसके लिए लें लकड़ी का चम्मच। मिट्टी का ये मटका, उसमें कुल्फी, टेस्टी डिलिशियस और लकड़ी का चम्मच, वाह, खाना कुछ भी रहे एंडिंग एकदम परफेक्ट। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। इसके लिए हमें चाहिए 2 लीटर दूध, 1/2 कप चीनी, थोड़ा सा केसर, 15 बादाम भुने हुए और स्लाइस किए हुए और 1/4 छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर। इसे बनाने के लिए एक पैन में दूध को पकाकर गाढ़ा कर लें, यानी 2 लीटर दूध को करीब 3 पाव बना लें, यानी 750 मिलीलीटर। इसके बाद इसमें केसर, हरी इलायची पाउडर डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, चीनी और बादाम डालकर कुछ देर तक और पकाएं। और अब इस मिक्सचर को मिट्टी की मटकी में डालकर इसे एल्युमिनियम फॉइल से ढककर फ्रीजर में जमने के लिए रख दें और जब ये जम जाए तो बिल्कुल ना इंतजार करें, खाएं एकदम ठंडी ठंडी। वेलकम बैक, मैगी खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे साथ में जो मेहमान है ना,
बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इनको कितनी खुशी हो रही है कि ये मेरे लिए खाना बनाएंगी, और इन्होंने कहा है कि इनकी फेवरेट जो हाँ डिश वो है। ये जो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स मुझे दिखाई दे रही हैं हाँ उससे तो मुझे लग रहा है, वैसे मुझे खाना बनाना नहीं आता, खाना झूठ खाना बोल आता रही है। है, झूठ बोल रही है, नहीं मैं झूठ सच बोल रही है, बोल रही झूठ हूँ। बोल रही है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये आप बिरयानी बना रहे? राइट, ईशा बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं बिरयानी बना रहा हूँ। नहीं आप बना रही, मैं थोड़ी बना रहा हूँ। नहीं आप बना रहे हैं, लेकिन हाउ डू यू नो इट्स माय फेवरेट डिश? नहीं मुझे नहीं पता है, अभी भी नहीं पता है। मतलब मैं बिरयानी ब्रेकफास्ट लंच डिनर डेजर्ट के लिए भी खा सकती हूँ। ओके, ये जो है चिकन लिया है मैंने, और चिकन के पीसेस कटे हुए हैं, और इसको मैरिनेट करना है हमने। ये जो चिकन है इसमें हम चावल को तो थोड़ा पहले पका लेंगे, लेकिन चिकन कच्चा ही रखेंगे। तो दही इसमें आ गई, और दही के साथ साथ नमक नमक अदरक लहसुन डाल अदरक देते हैं। हाँ, वो ये क्या था? ये लहसुन था। अच्छा अच्छा अलग अलग आप हाँ साथ में नहीं बनाते पेस्ट? नहीं कितना इतना इसका डबल। इतना? हाँ चलिए, अदरक हो गया, लहसुन हो गया। तीखा खाती है कम तीखा? बहुत तीखा। ओ ओ चलिए, ये बहुत और ये तीखा। हल्दी, हल्दी और अच्छा किचन से कितना प्यार है? डाइनिंग टेबल से प्यार है, किचन से हाँ मतलब किचन में सिर्फ मैं देखने सुपरवाइज करने आती हूँ कि जैसे मैं अभी देख रही हाँ, हूँ, बिल्कुल नहीं, अभी मैं काम लेकिन आई करवाऊंगा। लव द डाइनिंग टेबल की मेन जो मैं अच्छा लगता है, हाँ लेकिन अब किचन भी अच्छी लगी। देखना इसमें हल्दी और लाल मिर्च। अच्छा एक और चीज़ डाल देते हैं, ये है गरम मसाला पाउडर। ये हो गया। अब खास एक चीज़, पुदीने के पत्ते, और उसके साथ साथ ये है प्याज प्याज तला हुआ। अच्छा अब इसको मिक्स करें आप। देखिए काम, आप कितना बड़ा काम कर रही हो, कितना बड़ा क्या काम कर, बात है नहीं ये असली काम यही होता है। अच्छा ये आप जब तक मिक्स कर रहे हैं ना, मैंने इधर पानी रखा हुआ है, और पानी में मैं सिर्फ डालने वाला हूँ नमक, और उसके साथ में थोड़ा शाही जीरा। अब इसे अलग रख देते हैं, और ये जो है कपड़ा, इसमें कुछ ये डालते हैं फ्लेवर वाली चीजें। लौंग, इलायची, हाँ दालचीनी, दालचीनी, मिरी, हाँ और ये इसको क्योरी ये को भी इलायची, बट मोटी वाली इलायची। अच्छा ये हो गई, ये इसमें इसे बंद कर देते हैं थोड़ा सा इसे, और ये अच्छा। अब एक काम करते हैं, इसमें ये जो चावल हैं ये डाल देते हैं पकने के लिए, और ये जो चावल हैं ये हमने ज़्यादा नहीं पकाना, इसमें चावल को पार तो बॉईल इसमें करेंगे। पकाएंगे बाकी का। हाँ बाकी इसमें पकाएंगे। अच्छा अब क्या करना है हमें कि जब तक चावल पकता है तब तक हम चिकन को इसमें डाल देते हैं। तो ये इस हांडी के अंदर ये चिकन, अब ये जो चावल है इतना ही बस, इसे बंद करते हैं और इसे छान लेते हैं। अब ये चावल इसके ऊपर, चावल इसमें आ गए। अब इसमें ये है अदरक, अदरक इसके अंदर, ये है केसर और दूध, ये इसमें केसर वाला दूध, और अब इसमें डालते हैं हम कुछ धनिया, और इसके साथ साथ पुदीने के पत्ते पुदीने के पत्ते जो इसमें डाले थे इसमें भी डाले थे, ये गुलाब की पत्तियां, और अब केवड़ा, ज़्यादा नहीं, उसके साथ साथ रोज रोज़, और यह है पिसी हुई इलायची, और ये जो कुछ प्याज है फैट तला हुआ हुआ तला फैट हुआ तला हुआ। और अब एक बार फिर ये चिकन, दूसरा लेयर, बिल्कुल दूसरा लेयर, और अब चावल आप डालिए ना आधी मैंने बना दी, आधी आपने, और अब ये इसमें अदरक अदरक, पुदीना, पुदीना, धनिया, धनिया, ये
गुलकंद नहीं पान पान खेवड़ा खेवड़ा ज्यादा नहीं और रोज और ये बहुत जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका जो मॉइस्चर है दूध का वो हमें चाहिए। अब ये आ गया इलायची पाउडर, इसे रखते हैं हम इसके ऊपर और इसे तेज आग पर थोड़ा सा पकाना है। मतलब नीचे कच्चा चिकन है और जैसे ही ये तेज आंच पे पकेगा थोड़ी सी आवाज़ आनी शुरू होनी चाहिए, फिर ढक्कन लगा देंगे इसे और ढक्कन लगाकर सील कर देंगे आटे से। और अब अवन है गरम, इसमें रखते हैं इसे करीब 25 मिनट से आधे घंटे तक। बहुत मज़ा आया ईशा। और ये जो बिरयानी है, ऐसा कहते हैं कि जब बिरयानी तैयार हो जाती है उसकी जो खुशबू है वो धीरे धीरे निकलनी शुरू होती है और बिरयानी अपने आप बुला लेती है। हाँ, मुझे तो हर जगह बिरयानी अपने आप बुला ही लेती है। ये देखा है, जहाँ बिरयानी होती है वहाँ मैं होती हूँ। जैसे आज बिरयानी और ईशा कोप्पिकर हैंड इन हैंड दोनों साथ साथ चलते हैं। खैर, आप भी कहीं ना जाएं, यहीं रहें, साथ साथ रहें। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए एक चिकन 800 ग्राम का, 1.5 इंच के टुकड़ों में कटा हुआ, 1.5 कप चावल, 1.5 कप दही, नमक स्वाद अनुसार, 1 बड़ा चम्मच लहसुन की पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच अदरक की पेस्ट, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 कप पुदीने के पत्ते, 5 प्याज स्लाइस किए हुए और तले हुए, 1/2 छोटा चम्मच शाही जीरा, 10 लौंग, 10 हरी इलायची, 5 काली इलायची, 2 1 इंच के टुकड़े दालचीनी के, 2 बड़े चम्मच अदरक पतला और लंबा कटा हुआ, थोड़ा सा केसर, 3 बड़े चम्मच दूध में भीगा हुआ, 1/2 कप हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 2 बड़े चम्मच सूखी गुलाब की पत्तियां, 1 छोटा चम्मच केवड़ा जल, 1 छोटा चम्मच गुलाब जल और 1/2 छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर। इसे बनाने के लिए चिकन के पीसेस में दही, नमक, अदरक और लहसुन की पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, 1/2 पुदीने के पत्ते और 1/2 मात्रा तली हुई प्याज की डालकर मिक्स कर लें और इसे 1 घंटे के लिए रख दें। एक पैन में 4 कप पानी ले लें और इसमें नमक और शाही जीरा डालकर इसे गर्म कर लें। एक मसलिन क्लॉथ में दालचीनी, काली मिर्च, हरी इलायची और काली इलायची डालकर इसकी पोटली बना लें और इसे पानी में डालकर पानी को उबलने दें। अब इसमें चावल डालकर इसे तब तक पकाएं जब तक ये चावल करीब 3/4 पक ना जाए। अब मैरिनेटेड चिकन की 1 लेयर हांडी में डालें, इसके ऊपर 1/2 क्वांटिटी चावल की, कटे हुए अदरक की, दूध में भीगा हुआ केसर, कटा हुआ हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, सूखी गुलाब की पत्तियां, केवड़ा जल, गुलाब जल, इलायची पाउडर और तली हुई प्याज डालें। इसी तरह से एक बार फिर चिकन और चावल की लेयर डालकर बाकी चीजों को भी डालें और इसे ढककर गूंदे हुए आटे से सील करें और इसे प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री सेल्सियस पर करीब 1/2 घंटे तक पकाएं और उसके बाद ओवन बंद करके इसे दम पे 15 मिनट और पकने दें और इसे परोसे गर्मा गर्म। और अब बारी है आज की टिप की। भाई, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना आसान है, लेकिन उससे पहले मिट्टी के बर्तन को तैयार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो मिट्टी का बर्तन लें वो अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए और इसके बाद मिट्टी के बर्तन को पानी में भिगो के रखें और यदि कर सकें तो पानी में नमक डालकर इसे कुछ देर तक उबाल लें। इसके बाद इसकी आंच बंद करके गर्म पानी में से निकालें और इसे साधारण पानी में कुछ देर तक रखें और फिर इसे इस्तेमाल करें। बर्तन हो जाएगा एकदम पक्का और साफ भी। आज का ये जो हमारा कार्यक्रम है मैगी खाना खजाना, यहीं पर समाप्त होता है क्योंकि मिट्टी के बर्तन में बनी हुई जो डिशेज है उनकी सौंधी सौंधी खुशबू जो है मुझे बुला रही है। मैं चखूंगा, खाऊंगा, आप भी चखें और खाएं। लेकिन कभी ना भूलें देखना मैगी खाना खजाना। नमस्कार।